morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and fit too. कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे. Talking about our previous lecture, हमारे last lecture की बात करें तो जिसके अंदर हमने indigo नाम का हमारा fifth chapter पढ़ा. ये chapter के अंदर हमने पढ़ा कि sharecroppers को ब्रिटिशर्स या फिर जो इंग्लिश मैन थे उनके साथ लड़ने की हिम्मत कैसे है. इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि गांधी जी का जो पॉलिटिकल व्यू है वो डे टू डे लाइफ में कैसे कन्वर्ट था या फिर डे टू डे लाइफ में कैसे वो लोगों की समस्याएं दूर करते थे. और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि ये शेयर क्रॉपर्स की जो डील थी वो डील कैसे कैंसिल हुई या फिर ये लोगों ने किसे रिबेल किया, शेयर क्रॉपर्स ने उन लोगों को इंग्लिशमैन का कैसे रिबेल. टुडे आई एम मूविंग फॉरवर्ड. आज हम आगे बढ़ते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर पॉइंट नंबर 2 नेम्ड एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. तो ये पोएम के बारे में मैं थोड़ी चीजें आपको बता दूं तो आप जानते होंगे इसकी थीम है इनजस्टिस. अच्छा कैसे? कभी आपने स्लम एरिया की कोई एलिमेंट्री स्कूल देखी, क्लासरूम देखा? ना ही उनके पास एसी होता है, ना ही उनके पास बेंचेस होती है, ना ही उनके पास व्हाइट बोर्ड होता है, ना ही बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं. यहाँ पे इनजस्टिस होता है. वही बच्चे कल हमारे भारत का निर्माण करने वाले होते हैं. ऐसा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्लम एरियाज में पाए जाते हैं और जो स्लम के अंदर पढ़ते हैं. चलिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जो मुझे अभी भी याद आ रही है अबाउट अवर एजुकेशन सिस्टम. आपने एक देश का नाम सुना होगा, इजराइल. अच्छा आपको पता है इजराइल भी एक टाइम पे इंडिया के जैसे ही प्रिजन के अंदर था, जैसे कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स थे वहां भी ऐसे कोई लोग थे. कौन थे? आई डोंट नो अबाउट इट. जब वो फ्री हुआ, फ्रीडम मिला उनको, तब एक रिपोर्टर ने इसराइल के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनसे पूछा, व्हाट विल यू डू ना, आप किस चीज पे ज्यादा भार देंगे, क्योंकि इसराइल ऐसा देश है जिसके चारों तरफ सिर्फ समुद्र है, सिर्फ ओशन, नथिंग एल्स. उनके पास ऐसी एक भी चीज नहीं है जो अपने आप उगाई जा सकती. जैसे कि मैं बात करूं इंडिया के अंदर तो खेत है, खलिदान है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ उगा के हम जानते हैं कि हम यहाँ से टमाटर की हम निकास करते हैं पाकिस्तान और दूसरे देश की तरफ. इसराइल के पास ऐसी एक भी चीज नहीं थी. सो रिपोर्टर ने उनसे पूछा, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे. उनके प्रेसिडेंट ने क्या बताया? उनके प्रेसिडेंट ने बताया, वी विल गिव मोर एजुकेशन टू अवर पीपल. और हम लोग, हमारे जो लोग है उनको एजुकेशन सबसे ज्यादा, हम सबसे ज्यादा अटेंशन एजुकेशन पे दें. ये होती है पावर ऑफ एजुकेशन. वो बच्चे जब बड़े होंगे तो आज आप देख सकते हो, या 2 या 3 साल पहले जब इसराइल के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे तब उन्होंने एक ऐसी मशीन इन्वेंट की है जो ओशन का खारा पानी को कन्वर्ट कर सकता है पीने के पानी में. वो मशीन उन्होंने इंडिया को एक प्रेजेंट की तरफ से दी है. ये सब देश. यहाँ पे मैं बात क्यों कर रहा हूँ बच्चों? बिकॉज आप जान सकते हो पॉवर्टी, स्लम, उनके अंदर जो पड़े हुए बच्चे होते हैं या फिर जिन बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं मिलती वो आगे जाके क्या करते हैं या फिर उनके साथ कैसे इनजस्टिस हो रहा है, इन चीजों के बारे में, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. और इस पोयम के अंदर हमारे नैरेटर ने बहुत अच्छी तरीके से, वेरी वेल, यहाँ पे नैरेटर ने ऐसा भी बोला गया कि शेक्सपियर की जो, आप जानते होंगे कि कई स्कूलों के अंदर पोस्टर लगाए जाते हैं, यहाँ पे स्कूल के अंदर एक शेक्सपियर का भी पोस्टर है. और पता है पोएट क्या बोलते हैं? ये वाइल्ड है, शेक्सपियर का जो पोस्टर लगाया गया, जो वर्ल्ड मैप लगाया गया, किसी भी काम का नहीं है. वो एक्सप्लेन भी करते हैं. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारी पोएम नंबर 2, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारी क्लास 12 की पोयम नंबर 2, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. पहले बात करते हैं इसके थीम के बारे में. तो इस जो ये जो पोयम है उसकी जो थीम है वो सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज है. क्यों ऐसा? क्योंकि
इन जो बच्चों होते हैं जो स्लम में पढ़ते हैं उनके साथ इनजस्टिस हो रहा होता है, उनके कोई उनको कोई अच्छी सी बातें नहीं मिलती, अच्छे से टीचर्स नहीं मिलते, अच्छे से बुक्स नहीं मिलती, अच्छा सा ज्ञान नहीं मिलता, और साथ साथ क्लास इनइक्वालिटीज भी है जो अपर क्लास और लोअर क्लास उन दोनों के बीच जो इनइक्वालिटीज होती है, ये इक्वालिटीज हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। साथ साथ इस पोएम के आफ्टर में हमारे जो पोएट है वो हमें ये भी बताते हैं कि हमें इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, हमारे गवर्नर हमारे पॉलिटिशियन को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये जो वर्ल्ड है, ये जो बाहर का वर्ल्ड है, ये जो स्टोन, ये जो रेत है, ये जो दुनिया है, ये बच्चों को दिखानी चाहिए, इन बच्चों को उनमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक अलग ही दुनिया है और हमारी भी एक अलग ही दुनिया है। ये अलग अलग दुनिया नहीं रहनी चाहिए, सबके लिए एक ही दुनिया बननी चाहिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारी पोएम, फर्स्ट आंसर देखते हैं। Far, far from gusty waves, this children's face. Far, far, यहाँ पे repetition का poet ने try किया है. Far, far, बहुत दूर से. From a gusty, gusty मतलब full of energy, waves, this children's face. यहाँ पे ये जो बच्चा है उनके face पे बहुत दूर तक कहीं पे भी एक एनर्जी नहीं दिख रही है। हम देखते हैं कि बच्चों के फेस पे एक एनर्जी रहती है, हर एक इंसान के फेस पे एक एनर्जी दिखाई देती है, पर यहाँ पे ये बच्चे के फेस पे कोई भी एनर्जी दिखाई नहीं दे पाती। लाइक रूटलेस वीड, वीड मतलब क्या बच्चों, अनवांटेड प्लांट, जो कहीं पे पौधा अनवांटेड ऐसे ही उग जाता है रोड पे। हम देखते हैं कि ऐसे अनवांटेड प्लांट कैसे कितने सारे होते हैं, वैसे ही रूटलेस वीड्स द हेयर Turn round, मतलब not well combed. Their pallor, pallor मतलब pale face. देखते हैं इसकी translation. Like rootless weed, उनके जो hair है, उनके जो सर के hair है, वो कैसे हो चुके थे? Rootless weed, क्योंकि उनको पूरी की पूरी nutrition अच्छे से नहीं मिलती थी, उनको अच्छा खाने से नहीं मिल रहा था। ये उनके जो hair है, वो rootless weed, unwanted plant की तरह बन चुके। Turn round मतलब not combed well, और अच्छे से कॉम भी नहीं किए हुए, एंड दैट पैलर वो पैल फेस पे आ रहे हैं। तो टॉलगर, अभी जो पोएट है वो क्लासरूम के अंदर बैठे कुछ कुछ बच्चों की बात करते हैं, उनमें से पहले बात करते हैं। तो टॉल गर्ल विथ हर वीड डाउन हेड, यहाँ पे एक टॉल गर्ल है जो अपना सर झुका के खड़ी है। यहाँ पे सर झुका के खड़ना या फिर उनके हेड पे पार होना या क्या सजेस्ट करता है, या क्या समझाना चाहते हैं कि उन पे एक भार हो चुका है। उन पे भार किस चीज का है, बर्डन किस चीज का है, कि उनके पॉवर्टी का बर्डन है, उनको कुछ कमाना पड़ेगा, उनको अच्छे से लिटरेसी नहीं मिल रही, उनको खाने का बर्डन है, बहुत सारी चीजों का यहाँ पे बर्डन है, उसकी वजह से उनका जो सर है वो झुक चुका है। दूसरे एक बच्चे की तरफ देखते हैं। पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आईज, पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर मतलब क्या बच्चों, आप जानते हैं कि कोई भी पेपर कितना पतला होता है, यहाँ पे पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर के जितना पतला एक बॉय, उनके बारे में बात करें। विथ रेड्स आईज, रेड्स आईज यहाँ पे क्यों बोला गया, आपने कभी रेड देखा होगा तो उनकी आईज है वो अपनी बॉडी से ज्यादा बड़ी होती है, या फिर उनके फेस में रेड की आईज बाहर निकली होती है। यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो बच्चा है यहाँ पे पेपर स्विमिंग बोला गया, क्योंकि उनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिली है, तो वो अच्छे से खाना नहीं खाता, सो उनके अंदर अच्छे से एनर्जी नहीं है, वो पेपर की तरह पतला है, बहुत पतला इंसान है, और उनकी जो आंखें है वो बाहर की तरफ निकली हुई। साथ साथ आपने कभी जो रेड देखा होगा तो आपने मार्क किया होगा कि वो हर बार खाना खोजता रहता है, वैसे यहाँ पे भी ये बच्चा अपनी जो आईज है वो यही कहीं घुमा रहा है, उनका पूरा अटेंशन क्लास में नहीं है। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नैरोड डिसीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और यहाँ पे ये जो बच्चा है उनका क्या है, स्टंटेड मतलब स्टॉपिंग ऑफ ग्रोथ, उनका जो ग्रोथ है वो रुक चुका है। अनलकी हायर, हायर मतलब क्या, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिलता आ रहा हो, जो हमारे वंश परंपरागत चलता आ रहा हो, उनको बोलते हैं हायर। और ट्विस्टेड बोन्स, यहाँ पे ट्विस्टेड बोन्स मतलब क्या, ये एक तरह की बीमारी है, जो पूरी न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलती तब हमारे बोन्स ट्विस्ट होना या फिर अपने आप जितने बढ़ने चाहिए उतने बढ़ते नहीं है और ये बीमारी हो जाती। रिसाइटिंग फादर डिसीज, और यहाँ पे उनके फादर से उनको जो डिसीज मिला है उनके बारे में रिसाइटिंग कर रहा है। His lesson from his desk, अपने डेस्क के बैठे बैठे ये सब याद करा है। At back of the dim class,
ये डिम क्लास, ये क्लास के अंदर इतनी सारी रोशनी नहीं है, ये क्लास के अंदर इतनी सारी लाइट्स नहीं है, फिर भी ये क्लास के अंदर अननोटेड स्वीट एंड यंग, यहाँ पे एक ऐसा बच्चा बैठा है जो अननोटेड है, मतलब अननोटिस किया गया है, स्वीट एंड यंग, प्यारा भी है और यंग भी है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उनकी आंखें देखते हैं तो हमें पता चला है कि वो अभी एक ड्रीम देख रहा है। उन वो क्लास के अंदर फिजिकली प्रेजेंट है पर मेंटली वो कहीं और है, या फिर कोई और ड्रीम देख रहा है। और ड्रीम क्या है, ऑफ स्क्विरल्स गेम इन अ इन ट्री रूम अदर देन दिस, और यहां पे बैठा हुआ फिर भी वो इन अ ट्री रूम, ट्री रूम मतलब क्या, ट्री के अंदर जो छोटी सी जगह बनी होती है उनको बोलते हैं ट्री रूम। यहाँ पे जो स्क्विरल्स खेल रही है ट्री रूम के अंदर, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रही है, वो देख के वो ड्रीमिंग कर रहा है आउटसाइड जाने की या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने की। ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज्ड डॉम रीडिंग ऑल सिटीज। ऑन सॉर क्रीम्स वॉल्स, सॉर क्रीम्स मतलब येलोइश, यहां पे जो क्लासरूम था उनकी जो दीवारें थी वो येलोइश हो चुकी, इतनी यहाँ पे येलोइश मतलब पोइट बोलना चाहते बहुत पुरानी हो चुकी थी। और ये दीवारों पे डोनेशंस, डोनेशंस लगाए हुए थे। अच्छा, ये डोनेशंस किस चीज के थे, देखते शेक्सपियर हैड, वहां पे एक पोर्ट्रेट, एक फोटोग्राफ लगाया गया था जिसपे शेक्सपियर का हेड था, ऊपर का मुंह के फोटो थी। क्लाउडलेस डाउन, क्लाउडलेस डाउन मतलब इवनिंग का जब सनसेट हो रहा होता है और तब जब क्लाउड दिखाई देते हैं, वैसे एक क्लाउडलेस, यहाँ पे वो क्लाउड्स नहीं है सिर्फ सनसेट हो रहा है, ऐसा एक पिक्चर था। सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज, और सिविलाइज्ड अभी जो सिटीज है हमारे उनके अंदर जो लोग रहते हैं उनकी एक पिक्चर लगाई हुई थी, हाई बिल्डिंग्स की एक पिक्चर लगाई थी। बेड फ्लावरी टायरोलेसी वैली, और यहाँ पे एक टायरोलेसी वैली का फ्लावर्स के बहुत अच्छे से पिक्चर था एक, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यहाँ पे एक अच्छा सा वर्ल्ड मैप भी लगाया गया था, अवॉइडिंग इट्स द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और यहाँ पे वो अपने वर्ल्ड को यहाँ अपने वर्ड से बोला जाता। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फोग, और यहाँ पे इन बच्चों के लिए ये जो पिक्चर वाला वर्ल्ड है वो अपना वर्ल्ड नहीं है, उनके लिए तो ये जो विंडो वहां पे थी उनके बाहर का ही वर्ल्ड है। नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं तेर वर्ल्ड, ये मैप उनका वर्ल्ड रहा नहीं है, क्यों, वो जो विंडो थी विंडो के बाहर ही उनका स्लम था, अभी उनको बाहर जाके छूट के वहीं जाना था, उनका जो पूरा फ्यूचर है वो वहीं स्लम में गुजरने वाला था, उनको कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली थी, दे न्यू इट वेरी वेल, वो उनको अच्छे से पता है। सो देट यहाँ पे पोएट हमें बताते हैं कि ये जो पिक्चर वाला वर्ल्ड है वो उन बच्चों के लिए किसी काम का नहीं, और उनके लिए सिर्फ ये विंडो के बाहर का वर्ल्ड ही है जो एक स्लम एरिया था। वेयर ऑल द फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग, और यहाँ पे उनको लगता है कि उनका जो पूरा का पूरा फ्यूचर है पेंटेड विथ अ फॉग, और जो पूरा फ्यूचर है वो पेंट किया गया है फॉग से। हमें जानते हैं बच्चों कि फॉग के अंदर हम अच्छे से देख नहीं सकते, वैसे ही उनका बच्चों का वहां जो पढ़ रहे थे उन बच्चों का जो फ्यूचर था वो फॉगी हो गया था, उनको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था आगे वो क्या करेंगे। A narrow street sealed in with a lead sky. Lead sky मतलब blue sky या फिर polluted sky. एक छोटी सी narrow सी street थी जिस जो सील हो चुकी थी किस चीज से, polluted sky. अभी आप जानते हो कि slum area में pollution बहुत ज्यादा रहता है, अब वहां पे एक जो छोटी सी गली थी वो पूरी की पूरी गली सील हो चुकी हो ऐसा लग रहा था। Far from rivers, caps and star of words. Far from rivers, ये नदियों से बहुत दूर, कैप्स, कैप्स मतलब यहाँ पे आइसलैंड, आइसलैंड मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या बोलना चाहते कि किसी तालाब के बीच आया हुआ एक बड़ा सा रॉक, यहाँ पे कैप्स उनसे भी दूर। एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स मतलब प्यारी मीठी बातें, और प्यारी मीठी बातों से नदियों से ये आइलैंड से ये बच्चे बहुत दूर थे। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slowly turn in their cramped halls. Surely
श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट. यहाँ पे शेक्सपियर को इविल या फिर बुरा बताया गया. क्यों? क्योंकि शेक्सपियर आप जानते हैं या एक बहुत बड़े लिटरेचरिस्ट थे इंग्लिश के अंदर, पर यहाँ के जो बच्चे हैं उनको तो अपना नाम ही ठीक तरीके से लिखना नहीं आता था. या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि शेक्सपियर की जो स्टोरीज थी उन स्टोरीज के अंदर ज्यादातर स्टोरीज किंग पर बेस्ड रहती थी, और यहाँ पे कि जो बच्चे रहते थे वो तो बहुत पुअर थे, तो उनकी स्टोरी से ये कुछ भी नैरेट नहीं कर पा रहे थे. तो शेक्सपियर यहाँ के लिए कुछ विकेट मतलब एविल की तरह हो चुका. द मैप अ बैड एग्जांपल. यहाँ पे जो मैप लगाया हुआ है वो एक गंदा एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टिल. जो शिप्स है बाहर की तरफ, जो सन है जो बाहर का एक सूरज है, जो लव है जो बाहर की तरफ जो प्यार मिल रहा है, जो बाहर की चीजें है वो उन बच्चों को टेम्पटिंग अट्रैक्ट कर रही है. तो स्टिल देम उनको चोरी करने से वहां जाने के लिए उनको टेम्प करिए. फॉर लाइव्स दैट स्लीली स्लीली मतलब क्लेवरली टर्न देयर क्रैम्प्ड हॉल्स मतलब हाउसेस. पर यहाँ पे लाइव क्लेवरली उनकी जो जिंदगी है वो क्लेवरली बहुत अच्छी तरीके से टर्न करके उनको क्रैम्प्ड उनको कहां ले जाती है, उनके हाउसेस में या फिर छोटे से हॉल के अंदर. ये बहुत बड़ी यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं पोएट के ये इतनी बड़ी दुनिया है इनको अट्रैक्ट करती रहती है ये मैप की वजह से. पर लास्ट में तो उन्हें अपने छोटे से एक घर के अंदर ही जाना है. स्लम के अंदर आपने एक घर देखा होगा वो बहुत छोटा होता है. तो इन बच्चों को भले ही ये दुनिया बाहर से देखे, भले ही उनको अट्रैक्टिव लगे, पर आखिर में तो उनको अपने घर ही जाना पड़ता है. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. यहाँ पे फॉग से शुरू होके एंडलेस नाइट. एंडलेस नाइट क्यों बोले जा रही है? क्योंकि उनके अंदर जो नाइट होती है वो कभी एंड नहीं होने वाली, फॉगी रह गई है. फॉगी मतलब धुंधली रह गई है, उनको कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, और नाइट की तरह डार्कनेस है उनकी लाइफ के अंदर. कोई अच्छी सी किरण नहीं है, कोई पॉजिटिव थिंग नहीं है, इसलिए एंडलेस नाइट बोला गया. ऑन द स्लैग हीप दिस चिल्ड्रन वियर स्किन पिप्ड थ्रू बाय बॉन्स एंड स्पेक्टेटल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन. यहाँ पे स्लैग मतलब वेस्ट मटेरियल, हीप मतलब ढेर. दिस चिल्ड्रन और यहाँ पे ये बच्चे कहाँ रहते हैं? एक जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो फेंका दिया हुआ मटेरियल होता है, उनके ढेर पे रहते हैं. दिस चिल्ड्रन वी आर स्किनी पिप्ड थ्रू बाय बॉन्स. और यहाँ पे ये जो बच्चे होते हैं उनकी जो स्किन है वो स्किन बोन पे जैसे लाद दी गई वो वैसी लग रही है. इसका मतलब क्या है? वो इतने अननूट्रिशन है, उनको इतने अच्छे से न्यूट्रिशन ही नहीं मिला कि वो लगता है कि उनकी स्किन सिर्फ बोन पे लाद दी गई है या फिर बोन उनके दिखाई दे रहा है. पिप्ड थ्रू मतलब दिखाई देना या फिर मुंह दिखाना. पिप्ड थ्रू बाय बॉन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स. और यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मे कैसे पहनते हैं? ऑफ स्टील, स्टील के चश्मे पहनते हैं. उनके पास दूसरी कोई फ्रेम्स नहीं है, स्टील के चश्मे बहुत भारी रहते हैं, ये आप जानते होंगे. विथ मेंडेड ग्लास, मेंडेड ग्लास मतलब क्या समझाता वो भी. लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे ही हम किसी कांच की बॉटल स्टोन पे लगाते हैं तो उनके अंदर जैसे क्रैक आ जाते हैं वैसे ही मेंडेड ग्लास. वो क्रैक के अंदर क्या होता है? वो दो ग्लास एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. वैसे यहाँ मेंडर मतलब जोड़ना. यहाँ पे जो उन्होंने लेंस पहना हुआ है उनके जो स्पेक्टेटर्स के ग्लास होते हैं लेंस होता है वो भी ऐसा टूटा हुआ होता है या फिर एक दूसरे के साथ ग्लास जोड़ा हुआ होता है. ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम. उनका पूरा का पूरा समय, पूरा का पूरा टाइम एक फॉगी स्लम के अंदर है जो अनक्लियर है, कभी भी क्लियर नहीं होने वाला. So blot their maps with slum as big as doom. Blot मतलब mark, doom मतलब hell. यहाँ पे poet हमें बोलते हमारे जो बड़े बड़े maps है जिनके अंदर beautiful beautiful चीजें दिखाई गई है, beautiful beautiful cities दिखाई गई है, वहां पे इन जैसी जो slum होते हैं उनको हम बड़े बड़े mark कर दे और उनको hell की तरह दिखाई दीजिए, क्योंकि ये beautiful चीजों के साथ साथ ये slum भी वहां पे है. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. Unless governor मतलब president बोली या फिर हमारे यहाँ के politicians, inspector, visitors माने उन लोग जो लोग वहाँ visit करने जाते हैं,
उन लोगों जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये सब बताने चाहते हैं। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और यहाँ पे ये क्या बोलना चाहते हैं कि तब तक ये मैप ही उनका विंडो बन गया है, ये मैप ही उनको दिखा रहा है कि बाहर की दुनिया कैसी है, ये मैप ही उनको दिखा रहा है कि बाहर कितनी खुश है। विंडोज एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स माने ग्रेव्स, जिनको दफनाया जाता है। और जब तक ये लोग कुछ नहीं करते या फिर बाहर से उनको कोई हेल्प नहीं होती तब तक ये विंडो ही उनको शट करके या फिर बंद करके लगती है, कहां पे? तो लाइव्स लाइक अ कैटाकॉम्ब, उनकी लाइफ को, उनकी जिंदगी को कैटाकॉम्ब्स मतलब ग्रेव्स के अंदर, यहाँ पे स्लम के अंदर बंद करके रखती है या फिर उनको बाहर जाने की परमिट नहीं देती है। ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो हमें अपील करते हैं कि यहाँ पे जो सिचुएशंस है उनको ब्रेक लगानी चाहिए और साथ साथ ये स्लम जैसे एरिया को हटाना चाहिए। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, और जब तक वो टाउन की तरफ या सिर्फ ये सब चीजों की तरफ ना पहुंच जाए, टाउन की जो मॉडर्निटी है वहां तक ना पहुंच जाए तब तक हमें ब्रेक करना चाहिए। एंड शो द चिल्ड्रन द ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनको ग्रीन फील्ड मतलब हरे भरे आसमान या फिर हरी भरी जमीन, खेत खलियान वो सब दिखाना चाहिए और वही उनका वर्ल्ड बना देना चाहिए। रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग रन मेक्ड इनटू बुक्स एंड वाइट ग्रीन लीव्स ओपन। अज्योर मतलब क्लियर स्काई, उनको एक क्लियर स्काई के नीचे चलने देना चाहिए, गोल्ड सैंड्स जो गोल्ड सैंड्स होती है उनके पे, एंड लेट देयर टंग्स और घूमने देना चाहिए उनको बिना रोक टोक के, बिना पाबंदी के, उनको जैसे मन हो वैसे क्लियर स्काई के नीचे उनको घूमने देना चाहिए। एंड लेट द टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनको अभी बुक्स पढ़ने देनी चाहिए वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और नेक्ड इनटू, यहाँ पे नेक्ड इनटू मतलब यहाँ पे पोएट हमें ये समझाना चाहते हैं कि उन्हें कोई भी पाबंदी के बिना, कोई भी रोक टोक के बिना उनको बुक्स पढ़ानी चाहिए, उनको अच्छा सा ज्ञान देना चाहिए, उनको लिटरेट करना चाहिए। और व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, यहाँ पे व्हाइट लीव्स मतलब बुक और ग्रीन लीव्स मतलब खलियान, खेत या ग्रीनरी, और ग्रीनरी में उन्हें अच्छे से घूमने देना चाहिए। हिस्ट्री देयर हूज लैंग्वेज इज द सन, और यहाँ पे हिस्ट्री वही लोग बनाते हैं जिनकी भाषा सन होता है। यहाँ पे ये पोएट हमें ये समझाना चाहते हैं कि सन की तरह जब अपने आप बन होके दूसरों को लिटरेट करता है या फिर दूसरों को लाइट देता है, एनलाइट करता है, वैसे ही अगर कोई इंसान अपने आप बन होके दूसरों को एनलाइट करेगा उनके नाम की ही हिस्ट्री लिखी जाती है। दैट्स एंड ऑफ योर पोएम, यहाँ पे आपकी पोएम क्लियर होती है, खत्म होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल, मैं आशा रखता हूं कि आप सभी बच्चों को ये पूरी पोएम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, आपको फिर भी कोई डाउट है तो यहाँ पे नीचे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडीज के हैंडल्स या फिर आईडीज आ रहे होंगे, यू मे मैसेज मी ऑन दैट, आप वहां पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। एंड इफ यू हैव माय पर्सनल नंबर, अगर आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है देन यू मे कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। साथ साथ इफ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, वैसे ही मैं इस बार भी बोल रहा हूँ कि आगे जाके हम हमारे वीडियोज जो पब्लिक करने वाले हैं वो आपको नोटिफिकेशन अच्छे से मिल सके। टॉकिंग अबाउट योर होमवर्क, आपके होमवर्क की बात करूं तो ये स्लाइड के नीचे ही मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से लिख के वन टाइम, यू हैव टू राइट इट डाउन ओनली वन टाइम, आपको सिर्फ एक बार लिखना है, एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी, आपको वो मेरे नंबर पे पीडीएफ बना के सेंड कर देनी है। और सभी बच्चे अच्छे से होमवर्क करेंगे, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से होमवर्क करके मुझे अपनी फाइल सेंड कर देंगे। साथ साथ आपको ये पोएम अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, हम भी यहाँ पे आपको इतनी अच्छी पीपीटी बना के, इतने अच्छे वीडियोस बना के एक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर ले। तो अगर आप सब समझ में आ रहा है तो प्लीज एक अच्छी सी लाइक दे दीजिए, और साथ साथ प्लीज डू अ कमेंट। अगर आपने भी कभी भी स्लम एरिया की कोई स्कूल देखी है, एंड इफ यू फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन स्लम एरिया स्कूल एंड द मॉडर्न स्कूल, देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो, यस देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, देयर इज टू टाइप ऑफ स्कूल।
ये श्योरली कमेंट करना, मैं सभी बच्चों की कमेंट्स रीड करता हूं और साथ साथ सभी बच्चों को रिप्लाई भी करता हूं, तो मैं आपकी कमेंट की वेट करूंगा। यहां पे आपकी पोएम एंड होती है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन बाय बाय, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।